मेरा रब तो वो है जो रूह की अज़ियत भी जानता है। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की जरूरत थी, जब वो साथ नहीं थे। अगर अल्लाह तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जबान तक ला सकता है तो वो उसे तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है। तुम्हारी दुआओं पर कुन होगा जरूर होगा, बस तुमने दुआएं मांगना नहीं छोड़ना और किसी से मोहब्बत करके उसे खुदा से मांगना आपके मुखलिस होने की निशानी है। दुआ के वक्त आँखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह पर गुमान नहीं, यकीन रखो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। आज अगर सब्र का दिन है तो कल अजर का दिन होगा इंशाल्लाह। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सबके सब दोस्त हो, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी के होते हैं जो हक बात कहता है। लोग दिल में नफरत रख कर मस्जिदें जाया करते हैं, वो अल्लाह साफ लिबास देखकर नहीं, साफ दिल देखकर सजदू को कबूल करता है। कभी किसी की वजह से गुनाह न करो, क्योंकि वजह तो खत्म हो जाती है लेकिन गुनाह नहीं। दुआ की ताकत को कभी कम न समझो, एक दुआ ही है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहले खुद में वो तब्दीली लाओ जो तुम दूसरों में देखना चाहते हो। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और रब के सिवा इसे कोई जान नहीं सकता। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरी दुआओं को कबूल होने नहीं देते। अल्लाह ने सजदों में बेचैन दिलों की शफा रखी है।